from the Defense Forces are set to participate in this year's Republic Day Parade. It's the first time that nurses from the military nursing services are taking part in the parade. हाय एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स. चलिए कुछ इमेजिन कराती हूँ. हाथों में चूड़ियां नहीं, राइफल्स, और पैरों में हील्स नहीं, डीएमएस शूज, और दिल में देश के लिए प्यार. वहां वो खड़ी थी हमारी बेटी, जो सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही है. एक फौजी, एक वॉरियर, जो देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही है. जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, और बहुत बहुत शुभकामनाएं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की आप सभी को. एक बहुत प्यारी सी लाइन और याद आ रही है, वो भी सुनाऊंगी. फौलादी जिस्म नहीं, हौसले रखती हूँ मैं, नारी हूँ, खुद को देश पर कुर्बान करती हूँ. मेरे हाथ में कंगन नहीं, बंदूक थमा कर तो देख, मेरे जिस्म पे साड़ी नहीं, खाकी वर्दी लगा कर तो देख, दुर्गा काली तू देखेगा धरती पर ही, बस एक बार मेरी भारत माँ की ओर आंख उठा कर तो देख. आज का ये वीडियो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से खास है उन सभी फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, जो सन 2024 में ये सपना रखती हैं कि उन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बनना है. इस बार 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में विमेन पावर का आपको बहुत बढ़िया नजारा देखने को मिलेगा, जहां भारतीय सेना की फीमेल ऑफिसर्स अपने रिस्पेक्टिव कंटिजेंट्स को लीड कर रही हैं और देश की सभी बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं. आइए रूबरू करवाती हूँ उन सभी बेटियों से वन बाय वन, और ले चलती हूँ सुहाने सफर पर, जो आपको इस वीडियो के अंत में ढेर सारे मोटिवेशन जुनून जज्बे से भर देगा आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जाम के लिए. आइए सबसे पहले मिलते हैं मेजर सृष्टि कुलर को, जो लीड करने वाली हैं ऑल विमेन कॉन्जेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एज ये कॉन्जेंट पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा. मेजर सृष्टि कुलर एक पैरा ट्रूपर भी है और साथ ही साथ आई सर्जन भी है. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बीइंग एन आई सर्जन, उन्होंने तो आज तक सिर्फ सर्जिकल नाइफ को ही हाथ में पकड़ा था, लेकिन अब कर्तव्य पथ पर वो स्वॉर्ड लेकर चल रही हैं और मार्च कर रही हैं, वो उनके लिए बहुत ही बड़ा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, जिसके लिए बहुत ही खुश हैं और ग्रेटफुल हैं. नेक्स्ट इन द रो वी हैव असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा, जो कोस्ट गार्ड कंटिजेंट को लीड करने वाली है. इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत अहम भूमिका निभाता है नेशन के मैरिटाइम इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए. असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा के साथ में एक बहुत ही बढ़िया कोइंसिडेंस हुआ कि उनके बेटर हाफ, दैट इज हस्बैंड मेजर सरबजीत सिंह अरोरा, भी रिपब्लिक डे परेड में सिख कंटिजेंट को लीड करने वाले हैं. ये दर्शाता है इन दोनों की ही लीडरशिप को, जो कि एक टेस्टमेंट है और मोटिवेशन है आज के सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए. बोथ मेजर अरोरा एंड चुनौती शर्मा ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, दोनों एक्स एनसीसी कैडेट्स भी हैं. तो आप देख सकते हो नेशनल कैडेट कोर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत में, और अपने कैडेट्स में डिसिप्लिन इंस्टिल करने में, पेट्रियोटिक फीलिंग इंस्टिल करने में, और साथ ही साथ में स्पिरिट ऑफ सर्विस भी. रिपब्लिक डे परेड 2024 जहां इस बार मिलिट्री पावर्स को दर्शाएगा, भारत की डाइवर्सिटी और यूनिटी को दर्शाएगा, वही इस बार आपको महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अद्भुत जो सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा. और जो मेजर अरोरा एंड चुनौती शर्मा है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल प्रूव होते हैं, जो कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का ब्लेंड है, जो कि हमारे कॉन्टेम्प्ररी इंडिया को डिफाइन करता है, और साथ ही साथ में एक पॉजिटिव मैसेज लीड करता है हमारी यंग जनरेशन के लिए. सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं, इस बार तो दिल्ली पुलिस का भी जो कंजेंट है ना, वो फर्स्ट टाइम ऑल वुमेन कंजेंट होने वाला है, और ये लीड करने वाली है आईपीएस ऑफिसर श्वेता के सुगाथर. कितनी अमेजिंग बात है, इस कंजेंट में 194 फीमेल कांस्टेबल्स एंड हेड कांस्टेबल्स होंगे, जो प्राइमरली हेल करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जो हाईलाइट करने वाला है द डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन विद इन द फोर्स. इजंट इट कमेंडेबल. आगे बढ़ते हैं, और इस बार बहुत ही खास होने वाला है कि पहली बार ट्राई सर्विस कंजेंट रिपब्लिक डे परेड पर मार्च करने वाला है कर्तव्य पथ पर. और सबसे अच्छी बात ये है कि जो फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कंजेंट है, ये फीमेल सोल्जर्स से होने वाला है. इसमें फीमेल अग्निवीर आर्मी नेवी एयरफोर्स के पार्टिसिपेट करने वाले हैं,
और इस कंटेंट को लीड करने वाली है कैप्टन संध्या महला, जो कहती हैं ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है और साथ ही साथ एक रिमार्केबल हिस्टोरिकल मोमेंट को वे एक्सपीरियंस करती हैं, जहां वह नारी शक्ति के एम्बेसडर्स के फॉर्म में मार्च करने वाली हैं इस कंटेंट को लेकर। इनका साथ निभाने वाली हैं तीन और महिलाएं आर्मी नेवी एयरफोर्स से, जो कि हैं सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि वर्मा एंड कैप्टन श्रान्या राव भी। कैप्टन श्रान्या राव कहती हैं कि मैं थल सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हूं, बट ये बहुत गर्व की बात है कि इतिहास में पहली बार हम महिलाएं त्रिसेवा की टुकड़ियों को मार्च कराएंगी कर्तव्य पथ पर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं अपने अपने रोल्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और देश भर के महिला आर्म्ड फोर्सेज एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अद्भुत क्षण होने वाला है, जिसको आप सब जिएगा और अपने अंदर समा लीजिएगा और उसी जोश से अपने एग्जाम की तैयारी करने लग जाइएगा। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, कैप्टन संध्या जो है ना वो एनसीसी कैडेट भी रह चुकी है, तो आप देखो कि एनसीसी कैडेट्स कितना मेजर रोल प्ले कर रही हैं इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड हाउ मच दे आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव द फर्स्ट आर्मी कपल, जो कि लीड करने वाले हैं टुगेदर ऑन द रिपब्लिक डे परेड, और मैं बात कर रही हूँ मेजर जेरी ब्लेज एंड कैप्टन सुप्रता सीटी की, जो कि सेट करने वाले हैं हिस्ट्री एज द फर्स्ट मैरिड कपल ऑफ द इंडियन आर्मी टू पार्टिसिपेट करेंगे टुगेदर ऑन द रिपब्लिक डे परेड। ये बहुत ही यूनिक अक्रेंस मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, जहां मेजर लीड करेंगे मद्रास कंटेंट को और कैप्टन लीड करने वाली हैं आर्मी टेबल्यू को। सो बेसिकली मेजर ब्लेज एंड कैप्टन सुप्रता आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। आपको बताना चाहती हूँ दो डिफरेंट रेजिमेंट्स में सर्व करते हुए भी कर्तव्य पथ पर इन्हें एक साथ मार्च करने का मौका मिल रहा है, ये इनके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पर भी आपको ये बताना चाहूँगी, जो कैप्टन सुप्रता है ये भी नेशनल कैडेट कोर में रह चुकी हैं और सन 2016 में इन्होंने एनसीसी के थ्रू रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया था मैसूर कर्नाटका की तरफ से। है ना कितनी अमेजिंग बात, और हम सभी के लिए एक मोटिवेशनल कपल जो हमें बूस्टअप करेंगे और टू बी पार्ट ऑफ द फोर्सेस एंड लिव एन एग्जाम्पलरी एंड एन एक्साइटिंग लाइफ लाइक दे आर डूइंग। इस वर्ष रिपब्लिक डे परेड 2024 को लीड करने वाले हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं और सिंबलाइज करेंगे द स्ट्रॉन्ग इंडो फ्रेंच रिलेशंस। फ्रेंच कॉन्टिजेंट जो कि 95 मेंबर्स का है मार्च करेगा विद अ 33 मेंबर बैंड अलॉन्ग विद द फ्रेंच मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो ऐड करेगा इंटरनेशनल डायमेंशन टू द सेलिब्रेशन एज वेल। इतना ही नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 100 वुमेन आर्टिस्ट प्ले करेंगे ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शंख, नाच स्वरम, नगाड़ा, जो परेड को लीड करने वाले हैं। सो देखा आपने उन सभी लेडीज को जिन्होंने हमारी यंग गर्ल्स को मोटिवेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आशा करती हूँ आप भी जो नन्हे मुन्ने छोटे एस्पिरेंट्स हैं आज ये वीडियोस देख रहे हैं, कल आप इनकी तरह स्मार्ट लेडीज बनके उभरे और अपने आप को एक आइडल प्रूफ करें भारत की अन्य बेटियों के लिए। इसी के साथ में आज की हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार एंड जय हिंद। अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक डिफेंस एस्पिरेंट भी हैं और एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन कोर्स को। इस कोर्स में आपको मिलेगा एनडीए एग्जामिनेशन का फुल सिलेबस कवरेज, डेली क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स, वीकली मॉक टेस्ट एंड फ्री स्टडी मटेरियल। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस एट 9795977776 और यू मे विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.centuriandefenseacademy.com। थैंक यू। जय हिंद।